हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस अबाउट द क्लास 6 सिविक्स थर्ड चैप्टर गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। तो हमने गवर्नमेंट के लेवल के बारे में पढ़ा था, 3 लेवल होते हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था। तो फर्स्ट टाइप जो हम लोगों ने पढ़ा था वो डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, सेकेंड हम लोगों ने मोनार्ची के बारे में पढ़ा था। तो उस टाइम हमने थोड़ा थोड़ा ही डिस्कस किया था, यहाँ पे अलग से टॉपिक है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो जो इंडिया है वो डेमोक्रेसी है। दिस अचीवमेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल। जो इंडिया को ये जो मतलब लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो ये चीज़ें मिली हैं, वो बहुत ही लंबे स्ट्रगल के बाद मिली है। और देयर आर अदर प्लेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। तो यू नो नाउ दैट द मेन फीचर, तो अब तुम लोग समझ गए हो बेटा कि डेमोक्रेसी का मेन फीचर क्या होता है, इज़ दैट द पीपल हैव द पावर। डेमोक्रेसी में पीपल के पास पावर होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को या लीडर को चूज़ कर सके। सो इन अ सेंस डेमोक्रेसी इज़ अ रूल। तो हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी क्या है, एक रूल होता है बाय द पीपल। द बेसिक आइडिया इज़ दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दिस रूल्स। बेसिक अगर आइडिया देखें तो जो पीपल होता है वो रूल करता है, मतलब कि अपने पे रूल करने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए खुद से इलेक्शन में मतलब वोट डालता है और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करता है। फिर देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रिफर टू एज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है उस सब यूजुअली क्या रिफर करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है उसमें जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ना, मतलब कि जो ये हम लोग आगे देखिए बताएगा, बट इन स्टेट चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। जैसे कि आप जैसे किसी चाहते हैं कोई लीडर है जो गवर्नमेंट बनाए, मतलब अगर आप चाहते हैं कि भाजपा की सरकार गवर्नमेंट बनाए ना, तो उसके लिए बस आपके कह देने से कुछ नहीं होगा, तो आप डायरेक्टली नहीं उसको बना सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस होता है कि इलेक्शन होगा, फिर उस इलेक्शन में आप वोट डालने जाएंगे, फिर पूरे वोट जितने वोट पड़े रहेंगे आपके स्टेट में या कहीं भी तो पूरे नेशन में, तो उसके बाद फिर जो जितने वोट पड़े होते हैं सारे वोट की काउंटिंग होती है, फिर ये देखा जाता है कि किस पार्टी के लीडर को या किस पार्टी को अधिक वोट मिले, फिर गवर्नमेंट बनती है ना। इस तरह से कह रहा है कि डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट होता है इलेक्शन के प्रोसेस। दिस रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक, ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये क्या करते हैं, मिलते हैं और रूल बनाते हैं। तो मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द इंटायर पॉपुलेशन। अभी इसके पहले जो आपने ये देखा, ये है बेटा, ये मैं इसको भी पढ़ा रही हूँ, बस ये थोड़ा कंप्लीट कर लो फिर इसके बारे में बताती हूँ, एक मोमेंट है वो बताती हूँ। तो उसके बाद जो एक गवर्नमेंट है ये इंटायर पॉपुलेशन के लिए डिसीजन लेती है। दिस डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट्सेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस। इस समय जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं कह सकती, इट अलाउज़ व्हाट इज़ नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। दिस मीन दैट, मतलब कहने का है कि ये तभी, ये जो मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का प्रोसेस, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब पूरे देश में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी होगी। इसके कहने का मतलब होता है कि आपके देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक जो 18 साल का हो या इससे अबव हो, 18 और मतलब 18 और 18 अबव, जो 18 साल 18 साल से ज़्यादा हो वो वोट कर सकता हो, उसे वोट करने का अधिकार मिला हो। तो बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, लेकिन हमेशा ये ऐसा नहीं होता है। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम वैन अ गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वीमन एंड द पुअर। क्या एक ऐसा समय भी था, मतलब एक ऐसा समय भी था जब गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती थी वीमन्स को, मतलब औरतों को और पुअर लोगों को वोट करने के लिए, इलेक्शन करने के लिए। ये कब था, ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, अलाउड ओनली, मतलब जब पहले का जो गवर्नमेंट था उसमें क्या था कि सिर्फ आदमी और रिच लोग जिसके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो, जो पढ़े लिखे हों, वही वोट कर सकते थे। दिस मीन डैट वीमन द पुअर द प्रॉपर्टी लेस, जो औरतें हों या जो गरीब हों या जिसके प्रॉपर्टी पैसा ना हो या जो अनएजुकेटेड हो, वो वोट कर नहीं सकता था, उन्हें अलाउ नहीं था। द कंट्री वॉज गवर्न्ड बाय द रूल्स एंड द रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मैन मेड। और जो कंट्री था वो सिर्फ कुछ रूल रेगुलेशन जो कुछ ही लोग बनाते थे, जो आदमी लोग होते थे, जो एजुकेटेड होते थे, जिनका पैसा होता, जो वो नियम कानून जिस अकॉर्डिंग बनाते थे उसी के अकॉर्डिंग देश चलता था, ठीक है। तो इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिया में भी इंडिपेंडेंस के पहले सिर्फ स्मॉल माइनॉरिटी ही, सिर्फ इस मामला कुछ
कम ही लोगों को, स्मॉल मिनोरिटी को ही वोट देने का अधिकार था। एंड दे देयरफॉर कैम्प टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड। बहुत सारे लोग इस रूल से बहुत ही शॉक्ड थे, और गांधी जी की बात करें तो वो भी इस अनफेयरनेस पे काफ़ी शॉक्ड थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी एडल्ट को राइट होना चाहिए वोट का। ठीक है, मतलब हर एक व्यक्ति जो 18 ईयर्स से अबव है उसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। आगे देखिए कि राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, जो गांधी जी ने एक बुक लिखी थी, या कहिए आप एक से कुछ नोट्स लिखा था यंग इंडिया, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया डैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, हाँ, बट डैट अ मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट, और डैट अ मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली बाई द स्वीट ऑफ हिज ब्रो डे इन एंड डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम और बींग अ पुअर मैन। उनका कहना था कि मैं इस चीज़ों को या इस आइडिया को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा हो बस वही वोट करे, और एक ऐसा व्यक्ति जो जिसका करेक्टर बहुत ही अच्छा हो लेकिन उसके पास पैसा ना हो, लिटरेसी मतलब वो पढ़ा लिखा ना हो, वो वोट नहीं कर सकता, और एक ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ईमानदार हो, दिन रात पसीने मतलब दिन स्वीट ऑफ इज ब्रो डे इन एंड डे आउट का मतलब होता है दिन रात मतलब पसीने बहाए काम करे, ईमानदारी से बहाता हो, ईमानदारी से पसीना बहा के काम करता हो, और फिर भी उसे राइट ना हो वोट करने का। ठीक है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा हो लेकिन वो क्रिमिनल हो, उसे अलाउ हो वोट करने का। तो ये सब चीज़ों के गांधी जी बेटा बहुत ही अगेंस्ट हैं। बस ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, लेकिन मैंने बोला था कि आपको ये यहाँ पे बताऊंगी ये क्या है, तो मैं बता देती हूँ। देखिए, ये देखिए, नाउ एवर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट विलिंगली शेयर्ड पावर ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए, एंड यूएसए विमन एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। देखिए, बहुत से पहले की बात बता रहा है, कहाँ की बात कर रहा है ये, यूएसए यूरोप की बात कर रहा है, जहाँ औरतों को अधिकार नहीं था वोट करने का, तो उन लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन करने के लिए। आगे देखिए, विमन स्ट्रगल टू वोट गॉड स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द मोमेंट इज कॉल्ड द विमन सफ्रेज मोमेंट, एज द टर्म सफ्रेज यूजली मीन्स राइट टू वोट। उस समय क्या हुआ था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसी समय से ये मोमेंट चलाया गया था, जिसको कहा गया था सफ्रेज मोमेंट, वुमन सफ्रेज मोमेंट। सफ्रेज मतलब होता है वोट देने का अधिकार। तो इस समय क्या हुआ था, देखिए, ड्यूरिंग द वॉर, वॉर के समय मैनी मैन वर ऑल अवे फाइटिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस विमन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वॉज अर्लियर कंसिडर मैंस वर्क। उस समय जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जितने आदमी थे वो युद्ध लड़ने गए थे, औरतें सब घर पे थीं, और उस टाइम जो बहुत सारे औरतें थीं वो ऐसे काम करना शुरू कर दी थीं जिसे कहा जाता था मैंस वर्क, मतलब कि ऐसे काम जिसे सिर्फ पहले आदमी लोग करते थे, लेकिन सारे आदमी तो चले गए थे युद्ध के लिए, तो वो काम अब औरत करना भी स्टार्ट कर दी थी। मैनी विमन बिगन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। व्हेन पीपल सॉ दिस दे बिगन टू वंडर व्हाई दे हैड क्रिएटेड सो मैनी अनफेयर स्टीरियोटाइप्स अबाउट विमन एंड व्हाट दे वर कैपेबल ऑफ डूइंग। सो विमेन बिगन टू बी सीन एज बी इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस। तो हुआ यूँ कि जब सारे आदमी चले गए थे वहाँ पे युद्ध के लिए, तो औरतें घर में थीं, तो पैसे की प्रॉब्लम थी, घर कैसे चलता है ना, बच्चे भूखे थे, वो लोग भूखे थी, तो वो लोग काम करना स्टार्ट कर दी, और वो वही सब काम करने लगी जो कि पहले मेंस वर्क के नाम पे, मेंस वर्क के नाम पे फिक्स था कि काम आदमी ही कर सकते हैं, लेकिन जब वो ये सब सारे काम अच्छे से औरतें भी करने लगी थी, तो कुछ लोग शौक हो गए थे कि हमें ऐसे धारणा स्टूडेंट मतलब होता है कोई फिक्स धारणा बना के नहीं रखनी चाहिए कि ये काम औरतों का ही है, या ये काम आदमियों का ही है, या औरतें नहीं कर सकती, आदमी नहीं कर सकती, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ये सारे काम कर सकती हैं, कैपेबल हैं करने के लिए, तो इन्हें वोटिंग का भी अधिकार मिलना चाहिए। आगे देखिए, द सफ्रेट्स का मतलब होता है जो इस मोमेंट के अगेंस्ट, जो मतलब जो इस मोमेंट के इसमें खड़ी थी अपने वोट के अधिकार के, उन्हें सफ्रेट्स कहा गया था। राइट टू वोट फॉर ऑल विमन एंड टू गेट देयर डिमांड्स हियर, दे चेन देमसेल्फ टू रैलिंग इन पब्लिक प्लेसेस।
और उन्होंने कहा कि अगर उनकी रिमांड को नहीं माना जाएगा तो वे क्या करेंगी, अपने आप को रेलिंग पे या पब्लिक प्लेसेस पे फांसी लगा लेंगी। मैनी सफ्रेट्स वर इम्प्रेस्ड, मतलब बहुत सारे सफ्रेट्स थे जो उन्हें जेल भी भेजा गया और बहुत सारे जो क्या थे हंगर स्ट्राइक, मतलब भूखे स्ट्राइक्स पे थे ना, भूखे बैठे हुए थे। एंड दे हैव टू बी फीड बाई फोर्स, और बहुत सारी औरतें ऐसे थीं जिन्हें ज़बरदस्ती फोर्स करके उन्हें खिलाया गया, ताकि उनके अनशन को तोड़ा गया। अमेरिका वीमेन गॉट द राइट ऑफ वोट, जो अमेरिका की औरतें थीं उन्हें वोट देने का अधिकार कब मिला था, 1920 में मिला था, लेकिन जो यूके की रहने वाली औरतें थीं उन्हें, ठीक है, और यूके की रहने वाली थी उन्हें कब मिला था, 1928 में मिला था। बस ये यही था, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।